बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है। अपोलो अस्पताल के पास ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ओवरहीटिंग के कारण ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ ली। आग की तेज लपटें उठ रही हैं और इन लपटों को देखकर भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। आग लगने से करीब 1500 घरों की बिजली गुल हो गई है। ग्वालियर के साईं बाबा मंदिर के नजदीक अपोलो अस्पताल के पास एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से ओवरहीटिंग के कारण आग लगी, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। अपोलो अस्पताल के आसपास खड़ी गाड़ियां और एम्बुलेंस लेकर लोग भागने लगे। उधर आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। ट्रांसफार्मर में आग लगने से करीब करीब 1500 घरों की बिजली चली गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी देव शिमाली जी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव जी, सबसे पहला सवाल, आग बुझा ली गई या अभी भी कोशिशें जारी हैं? बिल्कुल आसिफ, अभी बस 5 मिनट पहले ही आग पर काबू पा लिया गया है। आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी का भी इस्तेमाल किया गया। स्थानीय नागरिकों ने भी उनकी काफी मदद की और आग जो घरों तक पहुंच रही थी तार के जो वायर होते हैं, केबल होती है, उसके जरिए उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। हालांकि कुछ गाड़ियां जो है थोड़ी बहुत जल गई हैं जो आसपास खड़ी हुई थी। इसमें किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं देव जी? बस यही एक खुशकिस्मती है आसिफ भाई के इसमें किसी के हताहत या घायल होने की अभी कोई खबर नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जैसे ही आग लगना शुरू हुई तो लोगों को ब्लास्ट होने का एकदम डर सताने लगा, तो भगदड़ मच गई वहां। चूंकि बगल बिल्कुल एडजॉइनिंग ही बिल्कुल पास में अपोलो हॉस्पिटल है, जो सबसे बड़ा यहाँ का प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां दर्जनों गाड़ियां फायर ब्रिगेड की खड़ी रहती है, तो सारी गाड़ियां वहां से जल्दी शिफ्ट की गई जब तक कि फायर ब्रिगेड पहुंचती। चूंकि मामला आग का था तो लोग भी पानी फेंक नहीं पा रहे थे, फायर ब्रिगेड का इंतजार ही कर सकते थे, लेकिन सूचना बिजली विभाग को दी तो बिजली विभाग ने बिजली की कटौती आसपास के पूरे इलाके में कर दी, चाहे विकास नगर हो, खेड़ापति कॉलोनी हो या फिर प्रेम नगर हो, उसके और हिंद कॉलोनी हो, ऐसे बहुत सारी जो आसपास की कॉलोनी है, साईं बाबा कॉलोनी हो, इन सभी कॉलोनियों की बिजली फिलहाल काट दी गई है, क्योंकि ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल चुका है। और चूंकि अभी जो बात हो रही थी बिजली विभाग के अधिकारियों से, उनका भी मानना यही है कि चूंकि ग्वालियर में टेम्परेचर 46 और 47 के बीच चल रहा है और इस समय ट्रांसफार्मर पर लोड भी आ जाता है, हर घर में एसी कूलर पंखे चल रहे हैं, तो क्षमता से कई गुना अधिक उस पर प्रेशर होता है, जिसके कारण ओवर हीटिंग हुई और ये ट्रिप होने की जगह उसमें आग लग गई। जी, तो ये जो डीपी है ये कितने घरों के लिए था और अब नए डीपी के लिए क्या व्यवस्था है देव जी? बिल्कुल, यहाँ चूंकि ये लगभग 1500 घरों की सप्लाई इससे होती थी, लेकिन चूंकि यहाँ बिजली का जो सिस्टम है वितरण का वो थोड़ा ठीक है, ऊर्जा मंत्री यहीं के रहने वाले हैं तो उन्होंने काफी परिवर्तन कराए हैं, तो एक दूसरे जैसे उसको बायपास करके दूसरी फीडर से लाइट दे दी जाती है, लेकिन इसमें कम से कम अभी 1 घंटा और लगेगा, बिजली विभाग के अधिकारी अभी इस पर काम कर रहे हैं। जी देव जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देव शिमाली इस वक्त मेरे सहयोगी ग्वालियर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आग की लपटों के बीच गिरा हुआ ये डीपी और ट्रांसफार्मर में आग लग गई, ओवरहीटिंग वजह बताई जा रही है, तापमान भी काफी है और इस वक्त लोड भी काफी रहता है, एसी कंजम्पशन ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से आग लगी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और गनीमत की किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।